डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की करीबी कहे जाने वाली हनीप्रीत को आखिरकार पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। वही हनीप्रीत जो लंबे अरसे से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर इधर उधर भाग रही थी। बताया जाता है कि हनीप्रीत को इस बात का डर लग रहा था कि अगर वो पुलिस से भागती रहेगी तो बाद में उसके लिए मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। इसीलिए हनी ने खुद को पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया। वही हनीप्रीत को पकड़ने के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ करना शुरू कर दी है। वहीं इस बात का पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है कि सिरसा में जो दंगा भड़काया गया था उसमें हनी के साथ कौन कौन मौजूद था। यहां हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि जब पुलिस ने हनी को पकड़कर जेल में डाल दिया था तो रात में उसे खाने के लिए दाल रोटी दी गई थी। खाना खाने के बाद हनी कुछ देर बाद जेल के अंदर बैठकर रोती रही और अपने आप से बातें करती रही। पुलिस ने बताया कि उसके चेहरे पर साफ तौर पर मायूसी देखी जा रही थी। बताया जाता है कि आज उसे दोपहर 12 बजे के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। SPN 9 न्यूज़ रूम से राहुल की रिपोर्ट।